नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निशो नेशन देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार के भागलपुर से, जहां पर बम विस्फोट की खबर है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल की डिक्की में बम रखा गया था, जिसकी वजह से जो धमाका हुआ है उसमें जो दो लोग हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। आपको बताएं कि दिन दहाड़े बम ब्लास्ट से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आखिर ये बम ब्लास्ट किसने किया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच की बात कह रही है। आपको बता दें कि जो बम ब्लास्ट की घटना है वो भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजल बली चक आइसक्रीम फैक्ट्री के पास हुई है। इसमें दो व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायल में एक रिक्शा चालक अवधेश कुमार है और पास की दुकान में काम करने वाले दीपक कुमार जो हैं बम के छींटे से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घनी आबादी वाला क्षेत्र बम विस्फोट होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही तातारपुर थाना पुलिस और सिटी एएसपी पूरन झा घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गए। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का, सुनिए इस बयान में। इसी क्रम में कोई विस्फोट हुआ है या कोई ना, एक रिक्शा चालक है, उसके हाथ पैर में मामूली चोट आई है। घटना के कारणों की छानबीन की जा रही है। क्या आवश्यक कुछ निर्देश भी आपने दिया है? जी, हम लोग फॉरेंसिक से बुला करके पूछेंगे कि किस तरीके से हुआ है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगा लेंगे कि एग्जैक्ट जगह कहाँ है जहाँ बम फटा था और किस किन कारणों से किन परिस्थितियों में किस आदमी के द्वारा बम विस्फोट किया। लगातार ये दूसरी घटना बताई जा रही है, एक सप्ताह पहले की भी एक घटना बताई जा रही है। एक सप्ताह पहले की मुझे जानकारी नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ। अगर उस संबंध में भी है तो आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सर, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, क्या लगता है कि किसी तरह की कोई साजिश के तहत तो नहीं एक्सप्लोजन किया गया? जब तक इन्वेस्टिगेशन हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, किसी कारण का जवाब आपको देना संभव नहीं है। आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने इस पूरे धमाके को सुना या देखा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि अगर वहां पर भीड़ भाड़ होती उस वक्त में तो कई लोगों की मौत तक हो सकती थी। क्या कुछ कहना है चश्मदीदों का, ये सुन। आवाज़ बहुत जोर, बहुत जोर का आवाज़ हुआ। जी जी, बहुत जोर का आवाज़ हुआ, बाहर निकले तो समझ से दिखना पड़ा। कहाँ थे इस समय आप? हम नीचे अंडरग्राउंड में गोडाउन में थे। क्या चीज़ का गोडाउन? डिस्पोजेबल है, सजावट का है, बिल्कुल अभी फिलहाल बिल्कुल सीजन का सारा था। ये गोडाउन से बाहर रिक्शा पर लोड करवा रहे थे, जिसने में एक लड़का मेरा जो स्टाफ है तो गिर गया सीढ़ी पर, तो मतलब बहुत जोर आवाज़ होने तो नहीं सर, हम तो लिखे थे दीपक कुमार जी सर। फिलहाल ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर ये धमाका जो है वो किसने किया, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन बम धमाके के बाद एक बार फिर से जो है वो सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम सीसीटीवी फुटेज और आसपास के जो लोग हैं उन तमाम चीज़ों की जाँच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।